वेलकम बैक दोस्तों। तो मूवी का नाम है विसारणे और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो रिसेंटली मैंने एक तेलुगु मूवी एक्सप्लेन की थी जिसका नाम था नांदी, और ये मूवी उस मूवी से भी दर्दनाक है। सच में दिल रो उठेगा इस मूवी को देखने के बाद। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, मतलब दिस इज रियल स्टोरी। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो पूरा देखना। तो चलिए बिना बकबक किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार। तो मूवी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश गुंटूर इलाके से, जहाँ पर एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इस बंदे का नाम होता है पांडी, और ये बंदा तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश आया है रोजी रोटी के लिए। जब सुबह सवेरे पांडी अपनी दुकान को ओपन करता है तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, और वो लोग भी तमिल वाले बंदे होते हैं। और इन लोगों को देख के पांडी बहुत खुश हो जाता है, मतलब वो होता है ना जब कोई अपनी लैंग्वेज में बात करता है तो अपनी सी फीलिंग आती है। तो पांडी भी हंसते हुए उन लोगों से बात करने लगता है, और तभी पांडी की नज़र एक बंदे पर पड़ती है जहां पर उस बंदे की पॉकेट में गन होती है। ये देखकर पांडी घबरा जाता है और उन लोगों को कुछ भी ना बताते हुए उन लोगों से कहने लगता है, सर प्लीज आप यहां से जाइए, मेरा धंधे का टाइम है ये। खैर वो लोग जाने के बाद थोड़ी देर बाद एक और बंदा पांडी के दुकान के पास आता है और पांडी को शॉप के बाहर खींचने लगता है। तो पांडी भी इस बंदे को मारने पीटने लगता है, और तभी ऑटो में एक बंदा पांडी को आवाज लगाने लगता है और उसे कहने लगता है, अरे यार क्या कर रहे हो, वो पुलिस है। यह सुनने के बाद पांडी चुपचाप हो जाता है और पुलिस इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। और फिलहाल इन तीनों को नहीं पता कि पुलिस इन तीनों को किस वजह से पुलिस स्टेशन ले जा रही है। खैर पुलिस स्टेशन लाने के बाद बिना पूछे पचारे पुलिस इन तीनों को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है। तो इन तीनों में से एक बंदा होता है जिसका नाम होता है चंद्र कुमार, शॉर्टकट में कुमार, और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी सामने से एक पुलिस वाला आकर कुमार पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कुमार वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर वो पुलिस वाले और इसके दोस्त शॉक में रह जाते हैं। पांडे और मुर्गन कुमार को चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकीली कुमार जिंदा ही रहता है। इसके बावजूद भी पुलिस इन तीनों के पास आकर फिर से इन तीनों को मारने पीटने लगती है। खैर दूसरे दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने पुलिस स्टेशन आता है, और इस बंदे का नाम होता है विश्वेश्वर राव, और ये तीनों लोग विश्वेश्वर को देखकर खुश होने लगते हैं कि इंस्पेक्टर आया है और हम अपनी दुख भरी दास्तां इस इंस्पेक्टर को बता सकते हैं। लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में आने के बाद इन तीनों को देखता है और पुलिस वालों से कहने लगता है, अरे क्या यार अभी भी इन लोगों को नंगा नहीं किया, नंगा करो। तो पुलिस इन तीनों के शर्ट पैंट उतारकर फिर से मारने पीटने लगती है। अब यहाँ पर बात यह है कि रिसेंटली एक बड़े आदमी के घर में चोरी हुई है, और चोरी करने वाले बंदे तमिल वाले बंदे थे, और उसी तरह विश्वेश्वर का सुपीरियर विश्वेश्वर पर प्रेशर डालने लगता है कि जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करे। तो इसीलिए विश्वेश्वर राव किसी भी तरह करके इस केस को क्लोज करना चाहता है, चाहे रियल कल्प्रिट मिले या ना मिले। इसीलिए विश्वेश्वर राव पांडी कुमार और मुर्गन को इस केस में फंसा रहा है, और बेचारे इन तीनों को ये बात पता नहीं होती, और पुलिस इन तीनों को बिना बताए मार पीट रही होती है और इन तीनों से कहने लगती है कि अपना जुर्म कबूल कर लो। खैर इसी दरमियान में पांडी कल का इंसिडेंट अपने दोस्तों को बताने लगता है कि रोजमर्रा की तरह पांडी अपने शॉप में था, और हर रोज एक लड़की पांडी की शॉप से गुजर रही होती है, और इस लड़की का नाम होता है शांति। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली शांति उस घर में सर्वेंट है, और उसी तरह शांति एक तेलुगु गर्ल होती है। इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से आमने सामने खड़े रहकर बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखते जाते थे। तो उसी दिन शाम को शांति पांडी के शॉप आई थी किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन वो फोन काम नहीं कर रहा होता, और इसे ही चेक करने के लिए पांडी शांति के पास आता है, और बाय मिस्टेकली पांडी का हाथ शांति के हाथ से टच हो जाता है। ये देखकर बेचारी शांति नाराज हो जाती है और बिना फोन किए वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात होने के बाद शांति पांडी का दूसरे गली में वेट कर रही होती है, और यहाँ पे जाके ये दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसका नाम पांडी है और इसका नाम शांति है। और यहाँ पर शांति की कहानी ये है कि शांति की मालकिन कभी कभार रात में घर नहीं आती, जिसकी वजह से शांति का ओनर इस पर जबरदस्ती कर रहा था, और यही बात शांति पांडी से कहने लगती है, और उसी तरह पांडी से ये भी कहने लगती है कि प्लीज मुझे जल्द से जल्द कोई और जॉब दिलवा दो, मुझे अब और वहाँ पर नहीं रहना, और एक्चुअली मैं शाम को मेरी माँ को कॉल करने के लिए वहाँ पर आई थी, प्लीज पांडी कुछ करो तुम ही। ऐसा कहते हुए शांति रोने लगती है, तो पांडी शांति को दिलासा दिलाने लगता है, अरे तुम फिक्र मत करो, पास ही में मेरा शॉप है और मैं देर रात तक वहीं पर रहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे शॉप आ जाना, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि पांडी एक तमिल वाला बंदा होता है और शांति एक तेलुगु वाली बंदी होती है,
और यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही स्वीट कन्वर्सेशन होता है। मतलब शांति पांडे को समझाने की कोशिश कर रही होती है और इसी तरह पांडे भी। खैर जब सुबह होती है तो ये सारे लोग बाहर आते हैं फ्रेश होने के लिए और तभी ये तीनों एक और बंदे को देखते हैं और इसका नाम होता है अफजल, पर ये भी इनका साथी होता है। और अफजल इन तीनों से कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि अफजल कल रात मूवी देख के अपने घर जा रहा था और थोड़ी दूर आने के बाद अफजल ये देखा कि किसी जगह पर पुलिस की चेकिंग हो रही है। तो एक पुलिस वाला बंदा अफजल को अपने पास बुलाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कहां से आ रहे हो। तो अफजल कहने लगता है मूवी से आ रहा हूं सर। उसके बाद वो पुलिस वाला अफजल से उसका नाम पूछता है। तो उसका नाम सुनने के बाद वो पुलिस वाला अफजल से कहने लगता है क्या तुम अलकायदा के हो या तो फिर ISIS के। तो अफजल घबराते हुए उस पुलिस वाले से कहने लगता है नहीं सर, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आया हूँ। तो पुलिस वाला कहने लगता है अच्छा तुम तमिल वाले बैच हो, चलो अंदर बैठो। इस तरह से कहते हुए वो पुलिस वाला अफजल को भी पुलिस स्टेशन लाता है। ये देखने के बाद पांडे समझने लगता है कि ये कोई लड़की का मामला नहीं है, ये कुछ और ही है, ये पुलिस वाले हम लोगों को जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद विश्वेश्वर राव इन चारों को किसी जगह पर लाता है, उल्टा लटकाता है और इनके पैरों पर बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। थोड़ी देर मारने पीटने के बाद उनके पैर खोल देता है और इन चारों को भागने के लिए कहता है। तो बेचारे वो चारों लोग उसी तरह से एक राउंड मारते हैं और फिर से विश्वेश्वर राव इन चारों को उल्टा लटकाता है और फिर से इनके पैरों पर मारने लगता है। और इसी दरमियान में मुर्गन ऊंची आवाज से विश्वेश्वर राव से पूछने लगता है सर खामखा हमें क्यों मार रहे हो और हम किस जुर्म को कबूल कर ले सर। ये सुनने के बाद विश्वेश्वर अपना पैर उठाकर मुर्गन के फेस पर मारता है जिसकी वजह से बेचारे सामने के दोनों दांत टूट जाते हैं। खैर उसी वक्त वहां पर एक लेडी कांस्टेबल आती है फ्रेश होने के लिए और पांडे ये देखता है कि वो लेडी कांस्टेबल अपना फोन वहीं पर भूल के जा रही है और यही बात पांडे उस कांस्टेबल को बताने लगता है कि मैडम आपका फोन वहीं पर रह गया। ये सुनने के बाद वो लेडी कांस्टेबल उन चारों से कहने लगती है अगर इस वक्त मुझे 2 मिनट के लिए भी किसी का फोन मिल जाए तो मैं पहले अपनों को कॉल करती और बताती कि मैं कहां पर हूं, किस हालत में हूं। ये सुनने के बाद पांडे फौरन उस लेडी कांस्टेबल का फोन लेकर बाथरूम में जाता है और अपने ओनर को कॉल करता है। एक्चुअली पांडे जिस शॉप में काम करता है वो शॉप इसका नहीं बल्कि इसका ओनर का होता है और अपने ओनर से बताने लगता है कि प्लीज मुझे आकर बचा लो, पता नहीं क्यों पुलिस मुझे यहाँ पर लाई है। तो दूसरे दिन उसी तरह से पांडे का ओनर पांडे के पास आता है और खिड़की के थ्रू इससे बात करने लगता है अरे पांडे अगर तुमने उस जुर्म को किया हो तो कबूल कर लो ना, पुलिस तुम्हें नहीं मारेगी। लेकिन पांडे अपने ओनर से यही कहने लगता है नहीं बॉस हमने कुछ भी नहीं किया, खामखा पुलिस हमें यहाँ पर लाई है। तो ये सारी बातें उस पुलिस स्टेशन में एक तमिल वाला पुलिस होता है वो सुन लेता है और इन चारों को खाना खिलाते हुए समझाने लगता है अगर तुम लोगों ने इस जुर्म को किया तो कबूल कर लो, सर तुम्हें छोड़ देंगे और हाँ 3 महीने की जेल होगी। लेकिन पांडे और इसके फ्रेंड्स एक ही बात पर टिके रहते हैं कि इन्होंने वो जुर्म नहीं किया, जिसकी वजह से वो तमिल वाला पुलिस ऑफिसर भी इन चारों पर गुस्सा होने लगता है। उसके बाद इस बंदे का फिर से इंट्रोडक्शन होता है और एक्चुअली इस बंदे का नाम होता है मुतवेल और एक्चुअल से मुतवेल और उसकी टीम आंध्र प्रदेश के नाम के एक बंदे को पकड़ने के लिए आती है। ये के की स्टोरी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरफ जेल में ये चारों लोग ये डिसाइड होते हैं कि ये लोग खाना नहीं खाएंगे और इसी तरह विश्वेश्वर राव का सुपीरियर विश्वेश्वर राव पर और प्रेशर डालने लगता है और उसे कहने लगता है अरे यार मैंने तुमसे क्या कहा, तुम अक्यूज को पकड़ो या ना पकड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये केस क्लोज में चाहिए बस। तो उसी दिन रात एक पुलिस वाला पांडे को किसी दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे बहुत टॉर्चर करने लगता है और उससे जबरदस्ती जुर्म कबूल करने के लिए कहता है। लेकिन पांडे का जवाब एक ही होता है ना मतलब ना। खैर दूसरे दिन विश्वेश्वर राव इन चारों लोगों को रिहा कर देता है और ये चारों लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आकर विश्वेश्वर राव को टाटा बाय बाय कहने लगते हैं और एक पुलिस वाला इन चारों को किसी होटल लाता है और इन चारों को 2000 रुपए दिए जाते हैं। तो पैसे हाथ में आने के बाद पांडे अपने दोस्तों से कहने लगता है अब फौरन हमें अपने घर लौट जाना चाहिए, यही सही होगा। लेकिन मुर्गन पांडे से कहने लगता है अरे यार अब होटल आ गए हैं तो खाना खा के जाते हैं ना। तो उसी तरह से ये चारों लोग जम के खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ये चारों लोग फिर से पुलिस स्टेशन आते हैं कुछ साइन वगैरह करने के लिए। लेकिन बाद में इन चारों को पता चलता है कि एक्चुअली एक ट्रैप था इन चारों को खाना खिलाने का, मतलब इन चारों ने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया इसलिए विश्वेश्वर राव ने ये प्लान किया। उसके बाद क्या था, पुलिस फिर से इन चारों को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है लेकिन इतना मारने के बावजूद भी पांडे और उसके फ्रेंड्स ये जुर्म कबूल नहीं करते। खैर उसी दिन रात को पांडे का ओनर एक लॉयर के साथ पांडे के पास आता है और सारे लोग पांडे को और उसके दोस्त को समझाने लगता है कि पांडे तुम जुर्म करो या ना करो
प्लीज तुम इस जुर्म को कबूल कर लो, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की सजा होगी। एक्चुअल से पुलिस किसी और को ढूंढ रही थी, लेकिन वो लोग नहीं मिले और अपनी जॉब बचाने के लिए पुलिस तुम लोगों को फ्रेम कर रही है। खैर, बहुत समझाने के बाद फाइनली पांडे इस जुर्म को कबूल कर लेता है और दूसरे दिन पुलिस इन चारों लोगों को वो घर ले जाता है जहाँ पर चोरी हुई है। और बेचारे इन चारों लोगों को इस घर के बारे में पता भी नहीं होता। और यहाँ पर आने के बाद पुलिस जैसा जैसा कह रही होती है उसी तरह वो चारों लोग करते जाते हैं। मतलब किस तरह से उस घर में एंटर हुए, किस तरह से दरवाजा ओपन किया, किस तरह से उन लोगों को डराया धमकाया, चाबी ली, वहाँ के सामान चुराए, और ये सारे चीज विश्वेश्वर राव रिकॉर्ड कर रहा होता है कोर्ट में सबमिट करने के लिए। खैर, सिर्फ जब केके कोर्ट में एंटर हो रहा होता है तभी मुतवेल और उसकी टीम केके को पकड़ लेते हैं, लेकिन आंध्रा की पुलिस केके को अपने कस्टडी में ले लेती है। ये होने के बाद मुतवेल फौरन डीसीपी को कॉल करता है और जो कुछ हुआ वो बताने लगता है। तो वो डीसीपी मुतवेल से कहने लगता है, तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ के लोगों को कॉल करके बात करता हूँ। और उसी वक्त कोर्ट में इन चारों की सुनवाई भी होती है और वो जज इन चारों से पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने वो चोरी की? तो यही मौके का फायदा उठाकर पांडे और उसके फ्रेंड्स जज साहब को असली सच बताने लगते हैं तमिल लैंग्वेज में, लेकिन जज को तमिल समझ में नहीं आती और वहाँ के लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई तमिल जानने वाला है। तो एक बंदा उठकर जज साहब से कहने लगता है, सर अभी अभी किसी केस में तमिलनाडु की पुलिस यहाँ पर आई है, आप चाहो तो मैं उन्हें बुला ले आता हूँ। तो उसी तरह से मुतवेल वहाँ पर आता है और ये चारों लोग मुतवेल को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगते हैं कि किस तरह से विश्वेश्वर राव इन चारों लोगों को मार पीट कर इस जुर्म को कबूल करने के लिए मजबूर किया। ये जान लेने के बाद वो जज विश्वेश्वर राव को एक पनिशमेंट देने लगता है, उससे कहने लगता है, जब तक कोर्ट खत्म ना हो तुम वहीं पर खड़े रहना। और जज इन चारों लोगों से कहने लगता है कि तुम अब रिहा हो, तुम अपने अपने घर जा सकते हो। कोर्ट से बाहर आने के बाद पांडे का ओनर पांडे को कुछ पैसे देता है और उसी तरह उसे शांति का नंबर भी देता है, गांव जाके फोन करे। और तभी पांडे की नज़र मुतवेल पर पड़ती है, उसके पास आता है और उसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन मुतवेल इन चारों लोगों से कहने लगता है, क्या आप लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हो? तो वो चारों लोग कहते हैं, हाँ सर, आप जो बताओ वो करूँगा मैं। तो वो काम ये होता है कि इन चारों लोगों को केके का किडनैप करना होता है। तो उसी तरह ये चारों लोग केके का किडनैप भी कर लेते हैं। खैर, जब ये चारों लोग आंध्रा से तमिलनाडु के बॉर्डर को टच करते हैं तो चंद्र कुमार उस कार से उतर जाता है क्योंकि वहीं पर उसका गांव होता है इसीलिए। और मुतवेल इन तीनों लोगों को अपने पुलिस स्टेशन लाता है और इन तीनों लोगों से कहने लगता है, चलो भाई तुम लोग भी फौरन यहां से बस स्टैंड जाओ और बस पकड़ के अपने अपने गांव निकल जाओ। लेकिन तभी वहां का कांस्टेबल मुतवेल से कहने लगता है, सर क्या हम इनसे हमारे पुलिस स्टेशन की सफाई करवाए? तो वो चारों लोग भी मान जाते हैं और उस पुलिस स्टेशन की सफाई करने लगते हैं। और इस तरफ मुतवेल केके को किसी दूसरी जगह पर लाता है। अब यहाँ पर केके की कहानी ये है कि केके एक ऑडिटर है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके क्लाइंट्स है। स्पेशली केके ब्लैक मनी का हिसाब रखता है जो बहुत ही टॉप सीक्रेट होता है। अब चूंकि नजदीक में इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस के माहौल में आप जानते ही हो क्या नहीं होता, मतलब एक दूसरे की पार्टी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए रेडी रहती है कि कब किसकी कमजोर नस पकड़ ले। इसीलिए रूलर पार्टी ने डीसीपी को अप्रोच हुई ताकि वो केके के जरिए से अपोजिशन पार्टी का पॉलिटिशियन का भांडा फोड़ सके। लेकिन केके उस पॉलिटिशियन के बारे में, उस ब्लैक मनी के बारे में मुतवेल को और उस डीसीपी को एसीपी को कुछ भी नहीं बताता। तो कुछ ना बताने की वजह से मुतवेल केके को मारने पीटने लगता है और उसे नंगा करके आम कैदियों के बगल में बिठा देता है। ये देखकर इन तीनों को बहुत घबराहट होने लगती है और पांडे उन दोनों से कहने लगता है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन मुरुगन उन दोनों से कहने लगता है, अब इतनी रात को हम कैसे जाएंगे? जब सुबह हो जाएगी तब हम अपने अपने गांव चले जाएंगे, सिर्फ एक रात की तो बात है। खैर, केके की ये हालत देखकर पांडे केके के पास जाता है, उसे अपना फोन देता है किसी को फोन करने के लिए, क्योंकि चंद दिनों पहले पांडे भी इसी हालत में था। तो केके पांडे का फोन लेकर किसी को कॉल करता है और यहाँ पर केके को ये बात पता चलती है कि वो एसीपी और डीसीपी डबल गेम खेल रहे हैं। मतलब उन दोनों ने अपोजिशन पार्टी से 3 करोड़ की मांग की है केके के केस को विथड्रॉ करने के लिए। तो वो अपोजिशन पार्टी इनकी डील को मान लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डीसीपी केके को नहीं छोड़ता। और इसी तरह केके को ये बात भी पता चलती है कि वो डीसीपी और एसीपी केके को मारने का प्लान कर रहे हैं और इसका मर्डर सुसाइड में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसकी बातें सुनने के बाद केके ठान लेता है कि वो ब्लैक मनी को और कुछ नामों को बाहर रखेगा। लेकिन तभी वहां पर एसीपी अपनी टीम को लेकर केके के पास आता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है
और फाइनली एसीपी केके के हाथ बांध के लटका देता है। और उस वक्त पुलिस स्टेशन में मुतवेल नहीं था और ये बेचारा यहाँ पर तड़प रहा होता है। थोड़ी देर बाद मुतवेल केके के पास आता है और इसकी ये हालत देखकर ये तो शॉक में ही रह जाता है और फौरन मुतवेल अपने आदमियों को बुलाता है, उसे नीचे उतारता है। और तभी वो एसीपी मुतवेल को कॉल करके ये बताता है कि तुम केके को हरगिज हॉस्पिटल मत ले जाना। लेकिन मुतवेल एसीपी से झगड़ने लगता है, नहीं सर, मैं केके को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। और इसी तूतू मैमे के दौरान केके की मौत हो जाती है। उसके बाद वो डीसीपी मुतवेल को कॉल करके बताता है कि मेरे कुछ आदमी तुम्हारे पुलिस स्टेशन आएंगे और वो लोग केके के मर्डर को सुसाइड दिखाएंगे। खैर उसी तरह से कुछ लोग मुतवेल के पुलिस स्टेशन आते हैं, केके की लाश को लेकर उसके घर ले जाते हैं और केके को फांसी लगा देते हैं ताकि ये सुसाइड लगे। खैर ये काम खत्म होने के बाद ये सारे लोग मीटिंग में बैठते हैं और ये डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरह से इस डेथ को सुसाइड का नाम दे। एक्चुअल से ये बात मुतवेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और इसी बातों ही बातों में वो डीसीपी जब बाथरूम में जाता है तो बाथरूम में इन तीनों को देख के शॉक में रह जाता है और फौरन वो डीसीपी इन तीनों को उस बाथरूम से बाहर भगा देता है। ये देखने के बाद उस डीसीपी को पक्का शक होने लगता है कि उन तीनों ने इनकी सारी बातें सुन ली। तो इसको कवर अप करने के लिए पुलिस उन तीनों को किसी केस में फंसाने को डिसाइड कर लेती है। और रिसेंटली एक एटीएम की चोरी हुई थी और पुलिस उस केस में इन तीनों को फंसाकर एनकाउंटर करना चाहती है। लेकिन ये बात मुतवेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो तीनों लोग मुतवेल पर भरोसा करते हुए यहाँ पर आए। अब इन तीनों के साथ ऐसा करना ये धोखा होगा। लेकिन वो डीसीपी मुतवेल को डराने लगता है कि केके की मौत तुम्हारे पुलिस स्टेशन में ही हुई है, अगर सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया तो सारे लोगों से पूछताछ करेगी। मैं तो नहीं फंसूंगा लेकिन तुम जरूर फंसोगे। उसके बाद क्या था, मुतवेल मान लेता है और ये कांस्टेबल इन तीनों लोगों के पास आकर कहने लगता है कि तुम लोगों को बड़े साहब के घर जाना होगा, वहाँ पर भी सफाई करके तुम कल सुबह अपने अपने गांव लौट जाना। लेकिन इन तीनों को दाल में कुछ काला नजर आने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों मुतवेल पर भरोसा करते हुए उसके साथ जाने लगते है। और कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद पुलिस इन तीनों लोगों को किसी जगह पर लाती है। यहाँ आने के बाद इन तीनों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इस रूम में इन्हीं के सामान मौजूद होते हैं। मतलब पुलिस ये दिखाना चाहती है कि ये तीनों लोग यहीं पर रहा करते थे। ये देखने के बाद बेचारा अफजल रोते हुए इन दोनों से कहने लगता है, नहीं नहीं मुतवेल सर हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी मुतवेल सर से बात करके आता हूँ। ऐसा कहते हुए जब अफजल उस कमरे से बाहर जाता है तभी एक बंदा इस पर फायर कर देता है। जब वो कांस्टेबल अफजल पर दूसरी गोली चलाने वाला होता है तो वो गन जाम हो जाती है। ये फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद मुतवेल फौरन वहाँ पर आता है और उस कांस्टेबल को डांटने लगता है। लेकिन वो कांस्टेबल मुतवेल से कहने लगता है, अरे सर ये तो भाग रहा था इसीलिए मैंने अचानक से गोली चला दी। और ये देखकर बेचारे वो दोनों भी शॉक में ही रह जाते हैं और फौरन वो दोनों अफजल के पास जाकर अफजल को संभालने लगते हैं और मुतवेल से गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करते हुए उसे कहने लगते हैं, सर अभी भी अफजल जिंदा है सर, प्लीज हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, ये बच सकता है सर। लेकिन मुतवेल चाहकर भी कुछ भी नहीं करता। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और वो बंदा पांडे के हाथों पर हैंडकफ्स लगाने लगता है। ये देखकर इन दोनों को और बर्दाश्त नहीं होता, पांडे और मुर्गन ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो दोनों घास फूस की जगह जाके छुप जाते हैं। पुलिस इन दोनों की तलाशी में लग जाती है तो इसी भागम भाई के दौरान एक पुलिस वाला मुर्गन को मार देता है। और कुछ देर बाद पांडे मुतवेल के सामने आता है और मुतवेल पांडे को समझाने लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात मानो, सरेंडर हो जाओ तुम, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस तरह से इन दोनों के बीच कुछ लंबी कन्वर्सेशन होने लगती है और फाइनली दो फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। और बैकग्राउंड की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि पुलिस पांडे और मुतवेल को मार देती है क्योंकि मुतवेल उस डीसीपी के खिलाफ जाने वाला था। अब इन चारों में से चंद्र कुमार एक लौता बंदा था जो बच चुका था और ये है चंद्र कुमार की रियल फोटो और उसकी फैमिली। चंद्र कुमार प्रोफेशनली एक कैब ड्राइवर होता है और उसी तरह ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होता है। कुमार ने तकरीबन 6 बुक्स लिखे हैं और उनमें से एक बुक का नाम है लॉकअप और इसी नावल पर बेस्ड है ये कहानी। मतलब चंद्र कुमार ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी और चंद्र कुमार ने अपनी लाइफ में कई सारे लोगों की जान बचाई जो अंडर ट्रायल कैदी थे। अंडर ट्रायल कैदी का मतलब मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक 30% पुलिस केसेस इसी तरह से क्लोज होते हैं। मतलब जबरदस्ती पुलिस कुछ मासूमों को किसी किसी केस में फंसा देती है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों क्या फायदा इसी जॉब का जिसमें ईमानदारी ना हो। सच में पॉलिटिशियन और बड़े लोगों के बीच लोअर क्लास और मिडिल क्लास चिकना चूर होके रह जाती है।
खैर आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।